बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 पहले ही अपलोड हो चुका है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर सेम 10 एमसीक्यूज है और 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर होगा और ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटा और 30 मिनट से सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 1, अ सब्सटेंस हैविंग PS2 विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकंड का ऑप्शन नंबर ए जो है नाइट्रिक एसिड, इसका दुरुस्त जवाब है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है ये वर्जन नंबर 2 और वर्जन नंबर 1 के अंदर भी आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द एरिया ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है रिफ्लेक्शन दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है ट्रांसमिशन, इसका दुरुस्त जवाब है। 6 का ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन, वो भी दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर ए ब्लू, इसका दुरुस्त जवाब है। और 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है इट अब्सॉर्ब ऑल लाइट, इसका दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर डी और 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है इसका दुरुस्त जवाब है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी वर्जन नंबर 1 2 के अंदर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी वर्जन नंबर 1 और 2 के अंदर आ गया हुआ है। 6 वाला भी 1 और 2 के अंदर आ चुका है और 10 वाला भी वर्जन 1 और 2 के अंदर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है सब्जेक्टिव के अंदर, ये भी वर्जन नंबर 2 के अंदर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये वर्जन नंबर 1 के अंदर आ चुका हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक नया क्वेश्चन नंबर 13 वर्जन नंबर 1 के अंदर आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए यहाँ पे नया है। तो इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर है आप लोगों ने बुक से कर लेने हैं। अगर आपको बुक से नहीं मिलते तो इनकी जो की है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है व्हाट इज द रोल ऑफ एयर इन बैलेंस ऑफ पैराट्रूपर, पैराट्रूपर का तोादन बरकरार रखने के लिए हवा का क्या करदार आपने लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस बॉक्स के अंदर मौजूद है, आप लोगों ने ये बॉक्स लिखना है। उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो ये उर्दू मीडियम के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज लेबल द पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर प्रेशर एंड एक्सप्लेन, आपने जे के और एल के नाम बताने हैं और इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो इनके जो नाम है वो हमारे पास लिखे हुए हैं जे के और एल के नाम, और साथ में इसे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ मौजूद है। सवाल नंबर 12 डिफाइन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखे रिफ्लेक्शन अकर व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस एंड बोन्स ऑफ इन अ पार्टिकल डायरेक्शन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब होगा। और उर्दू मीडियम के जवाब इस तरफ मौजूद है। हाउ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार शो द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टारों का चमचकाना किस तरह रिफ्लेक्शन का मुजाहरा करता है, इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और उर्दू मीडियम के लिए जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो व्हाट इज अ प्लेन मिरर, आपने प्लेन मिरर की तारीफ करनी है और फिर इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर के बारे में भी आपने वजाहत से बयान करना है। तो आपको 7 नंबर इसके दिए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए जवाब इस तरफ मौजूद है और उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो इस तरफ ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि वर्जन नंबर 1 के अंदर भी आ चुका हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है 2 लाइनों के अंदर और ऐसे ही उर्दू मीडियम में भी इसका जवाब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है 4 नंबर का, तो इंग्लिश मीडियम में सॉल्व यहाँ पे है, उर्दू मीडियम के अंदर सॉल्व यहाँ पे है। सिंपल इसके ऊपर ओहम का लॉ इज इक्वल IR आपने लगा किसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट राइट एनी 2 डिफरेंट बिटवीन अर्थ सर्किट एंड ब्रेकर्स, अर्थ वायर एंड सर्किट ब्रेकर, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ यह मौजूद है और उर्दू मीडियम का जो जवाब है ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसको आप तैयार किया करें। ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 8 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 3।